Hello guys, so next problem is, from a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 degree. देखिए, पहले तो उसने बोला कि कोई एक पॉइंट है P ग्राउंड पर, मैंने मान लिया कि ये कोई ग्राउंड पर पॉइंट है P, ठीक है? The angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 degree. इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई यहाँ पर एक बिल्डिंग होगी तो हमने यहाँ पर बिल्डिंग बनाया ये कोई एक बिल्डिंग है जो कि 10 मीटर जिसकी हाइट है वो क्या कर रहा है वो इस टॉप पर इसके बिल्डिंग के टॉप पर एक एलिवेशन एंगल बना रहा है 30 डिग्री का जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा एलिवेशन एंगल जो बनेगा वो नीचे से ऊपर का बनेगा तो इसका मतलब वो कुछ इस टाइप से यहाँ पे एक एंगल बना रहा है सो मैं ऐसे इसको क्रिएट कर देती हूँ ठीक है इस पॉइंट से भी कनेक्ट हो जाएगा ये सो ये इसने एक एंगल बनाया 30 डिग्री का ठीक है बिल्डिंग के टॉप से तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि आपका कोई बिल्डिंग है हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ठीक है सो ये कोई भी आपका बिल्डिंग है और इसको हम एक नेम दे देते हैं एबी एबी कोई भी आपकी एक बिल्डिंग है अब उसने क्या बोला यहाँ पर अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग के टॉप पर कोई एक फ्लैग होस्ट कर रहा है तो फ्लैग मान लो कि फ्लैग हमारा यहाँ पर कुछ है ये कोई एक फ्लैग है जो कि यहाँ पर होस्ट कर रहा है बिल्डिंग के टॉप पर तो मैं इसको रिप्रेजेंट किया फ्लैग है तो ये फ्लैग हो गया अब ऑफ द फ्लैग होस्टेड फ्रॉम द पॉइंट अब उसने क्या किया जो बिल्डिंग के टॉप पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप उसने इसके फ्लैग के टॉप पर इस पॉइंट से फ्रॉम पी पी से कोई एक एंगल बनाया विच इज 45 डिग्री तो उसने ये जो एंगल बनाया वो कितने का बनाया 45 डिग्री का किससे ग्राउंड पी पॉइंट से ग्राउंड पर जो पी पॉइंट हमने रिएक्ट किया उससे सो फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एक तो हमको इसकी लेंथ जो है वो लेंथ फाइंड करनी है इसको मैं एक सी पॉइंट दे देती हूँ कि ए बी सी पॉइंट हो गया एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी और जो ये बिल्डिंग है बिल्डिंग और इस पॉइंट पी के बीच की जो डिस्टेंस है हमको वो भी फाइंड करनी है तो हमको क्या क्या फाइंड करना है एक तो हमको ये एसी फाइंड करना है तो हम एसी को रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स के थ्रू और हमको ये ए वाला जो पॉइंट है बीपी तो हमको ये बीपी फाइंड करना है इसको हम वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं ठीक है तो ये आपका कोई एक पॉइंट वाई हो गया और जो ये ऊपर का पॉइंट हमने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कराया हुआ है तो इसको हम एसी पॉइंट का हम इसको बता देते हैं ये एक्स है ठीक है तो इतना पॉइंट एक्स है ये वाई है हमको ये दोनों चीजों को वैल्यू को फाइंड करना है इसका जो सोल्यूशन है वो करना शुरू करते हैं और मैं इसमें कोई स्टेटमेंट अभी नहीं लिखूंगी तो देखिए इसमें हमें क्या करना है अब आपको पहले हमें ये पहचानना होता है कि क्या क्या गिवन है जिसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे अब मान लो कि हमको पहले इस ट्रायंगल को लेकर चलते हैं इस ट्रायंगल में हम इस वाई को वैल्यू को फाइंड करते हैं तो इस वाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि आपकी 10 मीटर कोई टॉल बिल्डिंग है तो हम इसको 10 मीटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं देखिए तो मैंने एक ट्रायंगल कौन सा लिया है मैंने एक ट्रायंगल लिया हुआ है ए बी पी ये एक टॉल मीटर की बिल्डिंग थी 10 मीटर तो एक 10 मीटर हमारा ये हो गया हमको यहाँ पे बाई को फाइंड करना है जो कि पॉइंट है ग्राउंड से हम लोग फेल को फाइंड करना है तो देखिए पी वी पी ओवर एच एच बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ओवर वेस आपके पास गिवन है इट मीन्स आप 10 का अगर 10 30 लगा दें क्योंकि 30 का एंगल बना रहा है ये तो आप 10 30 लगा दें तो आपका वैल्यू जो डिस्टेंस है वो फाइंड हो जाएगा तो इस टाइप से हम रिकनाइज करते हैं कि हमें क्या कैसे लगाना है सो मैंने यहाँ पे लगाया 10 30 इक्वल एवी ओपर पीवी सो 10 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/√3 एवी इज 10 एंड बीपी इज वाई जो हमने आप रिप्रेजेंट किया हुआ है सो वाई इक्वल आपका आ जाएगा वाई इक्वल 10√3 मीटर तो जो डिस्टेंस हमने फाइंड किया बिल्डिंग का उस पॉइंट पी से वो आपका कितना आया 10√3 तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो therefore the distance of the building proper लिखना होगा हमको of the building from P P से निकाला हमने so from P is 10√3 meter ऐसे लिख दिया अब हमको क्या फाइंड करना है हमको फ्लैग की जो बिल्डिंग के ऊपर जो फ्लैग है उसकी हाइट है उस हाइट को फाइंड करना है सो उसके लिए हम क्या करेंगे देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रॉपर
ये जो पूरा एंगल है हम इस एंगल के लिए बात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल सी पी बी, हमेशा एंगल बीच में आता है, जो एंगल का पॉइंट है वो पी है, सो सी पी वी इक्वल, देखिए टेन फोर्टी फाइव पे ले रहे हैं, तो 1045 डिग्री इक्वल। अब हमें क्या लेना होता है, पहले परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में 10 प्लस एक्स हो जाएगा, जस्ट बिकॉज दोनों हाइट इस पर मर्ज हो जाएंगी, तो इट विल बी 10 प्लस एक्स ओवर जो नीचे का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, जो वाई है हम वाई की वैल्यू को सपोर्ट कर देंगे, सो 1045 की वैल्यू 1 होती है, सो 1 इक्वल 10 प्लस एक्स ओवर वाई इज 10√3, जिसको हम ऐसे पुट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो फ्लैग की हाइट है वो फाइंड हो जाएगी, सो 10√3 इक्वल 10 प्लस एक्स, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, देखिए ये आ जाएगा एक्स इक्वल 10√3 माइनस 10, सो एक्स इक्वल 10 आप यहां से कॉमन ले सकते हैं, √3 - 1 मीटर, तो आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप √3 की वैल्यू लगा के 1.732 का यूज करते हुए इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ देती हूँ, मैं आप इसको एटलास्ट एक स्टेटमेंट के थ्रू खत्म कर देते हैं, सो द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्ट्रैप जो हमको फाइंड करनी थी, फ्लैग स्ट्रैप इज 10√3 - 1 मीटर, ओके okay?